हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। जिस किसी को हाशिमोटोस की प्रॉब्लम है उसको तो इसका डिजीज़ का पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँगी, आपकी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपली कहूँ तो ये आपकी थायराइड का ही मसला है, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो थायरोइडाइटिस हम कहते हैं बेसिकली कि इन्फ्लेमेशन हो जाना ना ग्लैंड में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस होती है ना, इसमें क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना, ठीक है, वो आपकी अपनी ही जो थायराइड ग्लैंड के मतलब एक तो कुव्वत मुदाफियत होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसका जो आपका अपना इम्यून सिस्टम होता है ना, ठीक है, वो जो है ना आपकी अपनी ही मतलब ग्लैंड के खिलाफ ना सेल्स बनाने लग जाता है, ठीक है, कि अपनी ही बॉडी के जो सेल्स हैं मतलब जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपकी जो फंक्शनिंग है थायराइड की वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो सेल डैमेज हो रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली तो अगर हम फिर आगे ये तो होता है कि होता क्या है, ठीक है, अगर हम आगे देखें कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो इनिशियली इसकी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू में नहीं पता चलता है आपके जो है ना, जब उसने स्टार्ट हुई आपकी उसने उसको डैमेज करना स्टार्ट किया तब नहीं पता चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो डैमेज कर देगा कुछ आपका थायराइड डैमेज हो जाएगा। जब आपका थायराइड डैमेज है तो फिर फर्दर क्या होता है कि फिर आपका जो है ना हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, क्योंकि जाहिर है कि जब थायराइड ग्लैंड वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है तो वो थायराइड हार्मोन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, T3 और T4 नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो फिर आपका हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हाइपोथायरॉइडिज्म क्योंकि हो जाता है, तो अगर आप हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में देखना चाहते हैं कि हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है, तो आप ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक करके आप मेरी हाइपोथायरॉइडिज्म वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हाइपोथायरॉइडिज्म क्या है, ठीक है। तो हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर इस इनिशियली जब मैंने कहा कि इसकी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होती हैं, ठीक है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म अभी नहीं हुआ है, तो इनिशियली हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं। तो आप अगर किसी को थायराइड का इशू है या कोई डायग्नोज हुआ है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली इसी को देखने के लिए होता है कि आइदर जो आपका हाइपोथायरॉइडिज्म है वो आपका उसकी वजह से तो नहीं है, आपकी हाशिमोटोस की वजह से तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका अभी एब सिम्टमेटिक भी हैं तो, लेकिन अगर आप TPO अपना कराते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं थायराइड परोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, वो TPOs आपके ब्लड में डिटेक्ट होती हैं, उससे पता चलता है कि आपके जो है ना मतलब आपकी बॉडी में हाशिमोटोस है, ठीक है। TPO वैसे एक एंजाइम है, ठीक है, थायराइड परोक्सीडेज है, ठीक है, जो कि आपकी रोल जो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी में जो है ना उसको डिटेक्ट अगर करते हैं उसकी एंटीबॉडीज़, ठीक है, मतलब कि TPO तो वो एंजाइम है जो आपके थायराइड हार्मोन को बनाता है, उसको उसकी जो एंटी उसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ मतलब बन रही है ना उसको ख़त्म करने के लिए, तो आपका हार्मोन तो नहीं प्रोड्यूस हो सकता, तो वो अगर आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस है, ठीक है। अब अगर इसकी डायग्नोसिस देखें तो वही जैसे कि मैंने बताया कि TPO एंटीबॉडी देखी जाती है आपकी बॉडी में, और अगर फर्दर फिर वो हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया है, क्योंकि मोस्टली ये डायग्नोस तभी होता है जब आपको हाइपोथायरॉइडिज्म हो चुका होता है, क्योंकि पहले तो वो एसिम्टोमेटिक है, मतलब एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि जब कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो रही, जब आपको पता नहीं चल रहा कि आपको बीमारी है, तो जब पता ही नहीं चल रहा तो मोस्टली लोग तो उसको हमारी इधर इंडो पाक में तो बिल्कुल भी नहीं इसको किया जाता, तो इस तरह के मतलब नहीं है कि जब तक बीमारी प्रॉपर वो अपनी सिम्टम शो नहीं कराती हम लोग नहीं कराते, मतलब अगर आप एलीट क्लास से नहीं बिलोंग करते तो फिर तब तक तो नहीं करवाते। मोस्टली पेशेंट्स यही होते हैं कि जब उनकी बीमारी काफ़ी ख़राब हो जाती है फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने फिर TSH भी कराना होता है, T3 भी कराना होता है और T4 भी कराना होता है TPO के साथ, ठीक है। अब आपकी जो है ना जब आपने ये कराया तो आपकी ऑब्वियसली TSH रेज जाएंगी और T3 T4 कम आएंगे, थायराइड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, और ये सारी जो डिटेल्स हैं थायराइड से रिलेटेड आप अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आप हाइपोथायरॉइडिज्म वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो अगर तो आपकी बहुत इनिशियल स्टेजेस है, ठीक है, अगर किसी ने रूटीन चेकअप करवाया है और किसी वजह
एक्सेसिव से मतलब अपनी TPOs करवाई हैं, तो वो उसको तो उस वक्त तो आपकी TPO एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में एलिवेटेड है, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो एलिवेटेड होती हैं इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है, तो आपका T3 T4 नॉर्मल है, तो फिर तो आपको थायरोक्सिन नहीं दी जाएगी, ठीक है, जो आपका लेवोथायरोक्सिन जिसको हम कहते हैं या सिनथायरॉइड है या जो भी, वो नहीं दी जाती है आपको, ठीक है। तो फिर सिंपली होता है कि उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी T3 T4 या TSH उसके TSH एलिवेट हैं, T3 T4 लो हैं, तो फिर आपको क्या होता है कि थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको कहते हैं, जिसमें हम आपको सिनथायरॉइड या लेवोथायरोक्सिन या जो भी ये दिया जाता है, ठीक है। और फिर आपको रेगुलरली आपका 6 to 8 weeks के बाद आपने दोबारा चेक करवाना होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, यही था हाशिमोटोस के बारे में कि ये हाइपोथायरॉइडिज्म से लिंक करता है। इनिशियली आपको ये ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो हाइपोथायरॉइडिज्म में चली जाती है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।